ये हम सबका भ्रम है कि पेड़ काटे जा रहे हैं पेपर बनाने के लिए। अब इतनी बढ़िया चीज़ें मशीनरी आ गई हैं, क्वालिटी आ गई हैं, रद्दी से, रिसाइकल्ड पेपर से, किसी भी चीज़ से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं पेपर। और हमें चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए और हर बंदे को बताना चाहिए कि पेड़ काटना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पेपर के लिए पेड़ काटने। नमस्कार, मैं हूं राहुल झा और आप सभी का स्वागत है इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। दोस्तों, ओरिजिन बायोपैक में कैसे फोटो पेपर को बनाया जाता है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी है दो भाइयों की, विदित गुप्ता और मुदित गुप्ता की, जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में अपनी किस्मत आजमाई। इसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में साल 2005 में, जब उन्होंने सेकंड हैंड मोबाइल फोन्स को खरीदने और बेचने का व्यापार शुरू किया था। लेकिन कहते हैं ना, इच्छाएं रुकती नहीं, और अगर आप अपनी किस्मत के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो किस्मत आपके लिए दो कदम बढ़ाती है। संघर्ष भरी इस राहों में विदित गुप्ता ने शुरू की मार्केटिंग की एक जॉब, वो भी प्राइवेट कंपनी में। लेकिन कहानी की असली शुरुआत तो दोस्तों यहीं से होती है, क्योंकि यही वो जगह थी जहां पर हमारे देश में इस्तेमाल हो रहे पेपर, उसकी जानकारी और उसके मार्केट के बारे में समझा विदित गुप्ता ने, और वहीं से उनके पास आइडिया आया एक पेपर फैक्ट्री को शुरू करने का। साल था 2013 का, जब विदित गुप्ता ने अपने अंकल से 10 लाख रुपए उधार लिए और उन्होंने शुरू किया वेडिंग पेपर शीट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। ये वही वेडिंग पेपर शीट है जो आपके घर में वेडिंग कार्ड बनकर, बर्थडे कार्ड बनकर, इनविटेशन के तौर पर दिया जाता है। और ये बिजनेस महज 3 सालों में फलने फूलने लगा। बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था। फिर समय आया 2018 का, जब दोनों भाइयों ने पाया कि फोटो पेपर का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है, और अभी तक हमारे इंडिया के अंदर सभी फोटो पेपर सिर्फ इंपोर्ट किए जा रहे हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने इस मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और इस बिजनेस की शुरुआत की। कंपनी की नींव रखी गई ओरिजिन बायोपैक, और महज एक साल में ही इन्होंने हमारे देश का फोटो पेपर मार्केट का 60-70% तक का हिस्सा कवर कर लिया। दोस्तों, अभी तक हम आपको जानकारी दे रहे थे, कहानी बता रहे थे ओरिजिन बायोपैक की, यानी इस कंपनी की। अब इस कंपनी के डायरेक्टर, वन ऑफ द फाउंडर्स में विदित गुप्ता जी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, फोटो पेपर, और इसके इस्तेमाल कहां कहां होते हैं। सर, सबसे पहले तो IID के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, और अब मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूंगा कि आपका ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे कैसे किस किस इंडस्ट्रीज में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। थैंक यू सो मच सर। हमारे प्रोडक्ट की यूसेज जो है वो कई सारे वर्टिकल्स में यूज़ होता है। फ़ोटो पेपर जो हमारा है, फ़ोटो पेपर का जो सेगमेंट है वो इसलिए यूज़ करना है क्योंकि उसके अंदर आप देखिए, आपने याद होगा आपको, या आप जानते भी हैं, फ़ोटो पेपर का मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सबसे मेन यूज़ है हमारा। फ़ोटो पेपर का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ फ़ोटो ही लगनी है आपकी, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया। सेकेंडली हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ है मेडिकल के अंदर, जो आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आती हैं वो उस पेपर के ऊपर प्रिंट होती हैं। थर्ड यूसेज आप समझ लीजिए आपके एल्बम्स, शादी की सारी मेमोरीज को इकट्ठा करता है हमारा फोटो पेपर का, सबसे मेन काम ये है। और फोर्थ हमारे पास ही, आप मान लीजिए जो आप टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो आपको इंस्टेंट फ़ोटो निकाल के देते हैं, तो उसका यूसेज वहाँ पर भी है। तो मेन जो यूसेज है वो इन 4 जगह पर ही है इस फोटो पेपर का। और क्वालिटी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है हमारी। हमारी ओरिजिन बायोपैक का काम ही क्वालिटी को सस्टेन करना है, तभी हमने इतनी जल्दी मार्केट को कैप्चर करा है। सर, आपने बताया कि क्वालिटी जो है उस पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, चलिए क्वालिटी के साथ साथ हम इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बात करते हैं, समझते हैं कि कैसे फोटो पेपर को बनाया जाता है। सर, हमें और हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरह से आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर इस फोटो पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सर, हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है जम्बो रोल हमारे पेपर के, और केमिकल इम्पोर्ट होता है उसको, हम अपने यहाँ पर रॉ मटेरियल जब आता है तो उसके हमारे चेक होता है कि कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, क्वालिटी जो आई है बिल्कुल ओके है। हमारे पास लैब्स हैं, उसको हमारे यहाँ टेस्टिंग होती है सारी चीज़ों की। उसके बाद हम लोग उस पेपर को मशीन पे फिट करते हैं, उसके बाद उसमें कोटिंग होती है। कोटिंग इसमें 2 तरीके की होती है, एक मैट कोटिंग और ग्लॉस कोटिंग। मैट कोटिंग होने के बाद हम उसको सबसे पहले लैब में ये टेस्ट करते हैं कि अगर जो मैट की कोटिंग अगर सही नहीं आएगी तो ग्लॉस का रिजल्ट नहीं आएगा बढ़िया, इसलिए हम मैट के ऊपर कोटिंग करते हैं, ग्लॉस की कोटिंग करते हैं। उसके बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा होता है हम उसकी भी लैब में टेस्ट करते हैं।
जब वो सब कुछ ओके हो जाता है उसके बाद हमारा आता है फाइनल कि कटिंग मशीन पे। कटिंग मशीन के ऊपर हम क्या करते हैं, जिस कंज्यूमर की जो साइज़ की अवेलेबिलिटी या रिक्वायरमेंट है हम उसको उसमें काट के देते हैं साइज़ को। मेनली जो सेल होता है मार्केट वो A4 साइज़ की है, 90% मार्केट A4 साइज़ की है, जिसके अंदर से आप पासपोर्ट साइज़ के छोटी छोटी 9 पीसेस 10 पीसेस निकल जाते हैं ईजीली। तो उसके जब हम जिस साइज़ में काट के देते हैं उन लोगों को, उसके बाद उनकी पॉली पैकिंग होती है हमारे पास, पॉली पैकिंग के अंदर हम लोग उसको ऐड ऑन करते हैं। उसके बाद हमारा कार्टन में हम पैक करते हैं, कार्टन में पैक करने के बाद उसे हम स्ट्रिप लगा के फाइनल प्रोडक्ट को गाड़ी लोड करके भेज देते हैं। ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिससे फोटो पेपर को तैयार किया जाता है। सर अगर मैं इसके मार्केट की बात करूं तो करेंट सिनेरियो क्या है, इसका पास्ट मार्केट कैसा था और आने वाला फ्यूचर मार्केट कितना ज़्यादा बड़ा है, और हमारे व्यूअर्स या जो इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आप थोड़ा डिटेल में ज़रूर बताइएगा। सर एक्चुअली क्या है, पहले ये सब सिर्फ इम्पोर्ट होता था। हाँ मैंने आपको बताया कि हमने आपको बताया भी था पहले भी कि सभी सब चीज़ें इंपोर्ट होती थी। इंपोर्ट होते जब हमने चीज़ों को रीड करा, देखा कि हम यहाँ पे हिंदुस्तान में क्यों नहीं बना सकते, जब गवर्नमेंट का हमारे पास सपोर्ट है और हमें मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, और उसी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए हमने मशीन मंगाई, सारे रॉ मटेरियल अरेंज करे, क्वालिटी बनाई, और धीरे 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 जैसे कि हम देख रहे हैं कि इम्पोर्ट कोई भी बंदा करना नहीं चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत बने, हम भी उसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करें, मेक इन इंडिया को प्रमोट करें, हम सब चीज़ें कोशिश करते हैं यहाँ बनाएं, हमें बाहर से कुछ ना लेना पड़े। और धीरे धीरे इंडियन मार्केट में सबको समझ में भी आने लगा है कि हिंदुस्तान के अंदर वो कैपेबिलिटी है, लोगों के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो यहाँ पर सब कुछ सर्वाइव कर सकते हैं और सप्लाई भी पूरी मिल सकती है विद कम्प्लीट क्वालिटी। तो बहुत ही वास्ट फ्यूचर है, अगर आप कोई भी इस चीज़ को करना चाहता है तो बहुत आराम से कर सकता है, पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट का, बस टेक्निकलिटी है थोड़ी बहुत उसके अंदर, वो आप केमिकल और जब चीज़ को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे जी। अच्छा सर मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने ओरिजिन बायोपैक की शुरुआत की, फोटो पेपर बनाने की शुरुआत की, तब आपने काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, बट जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और जो इस बिज़नेस को बेस लेवल पर स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, कितने रुपयों की ज़रूरत होगी, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा? सर टोटल कॉस्ट अगर मैं बताऊँ मशीनरी, प्लांट मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल को मिला के, तो आप मान के चलिए 6 to 7 crores कि आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, क्योंकि मशीन ही काफ़ी महंगी है और मशीन बाहर से आएगी, सब कुछ उसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, अदरवाइज उसके अलावा जो आपका रॉ मटेरियल वो इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट के अंदर आप लोगों को और हम लोगों को सबको पता है कि टाइम टेकिंग काम है, महीने, 2 महीने 3-3 महीने 2.5-2.5 महीने लग जाते हैं इम्पोर्ट होते हुए कि ट्रांजिट टाइम के अंदर, तो आपको ट्रांजिट टाइम का पेमेंट को भी अरेंज करके रखना है और घर में रॉ मटेरियल भी रखना है, तो उसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल में डबल का फर्क आ जाता है। तो आप मान के चलिए कि 6 से 7 करोड़ रुपए आपको चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने जी। अच्छा सर हम अगर बात करें पेपर की, तो ज़्यादातर हम लोगों ने बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि जो पेपर बनता है उसके लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। सर ये जो पेपर है, ये जो पेपर आप रेडी कर रहे हैं या रोल जो आप इंपोर्ट करवाते हैं, क्या वो पेड़ काटने के बाद बनाए गए हैं या रिसाइकिल करके बनाए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल है। सर पेपर ये हम लोगों को पहले दिन से डाला गया हमारे अंदर, या हमारी शुरुआत में जब शुरू हम बच्चे थे या बड़े धीरे धीरे हुए तो हमें समझ में आई चीज़ें कि पेपर काट के कागज बनता है, ऐसा नहीं है। आज इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है कि हमें अभी सब चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम सबका भ्रम है कि पेड़ काटे जा रहे हैं पेपर बनाने के लिए, अब इतनी बढ़िया चीज़ें मशीन्स ही आ गई हैं, क्वालिटी आ गई हैं कि आप अपना क्या कहते हैं रद्दी से और रिसाइकल्ड पेपर से किसी भी चीज़ से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं पेपर को। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए और हर बंदे को बताना चाहिए कि पेड़ काटना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पेपर के लिए पेड़ काटने हैं। अच्छा सर पेपर की क्वालिटी के लिए और GSM जो है वो बहुत मायने रखता है, क्या GSM होता है एक फ़ोटो पेपर का और हाईएस्ट GSM क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर? हमारे इस फोटो पेपर के अंदर 4 तरह के वर्टिकल्स हैं GSM के अंदर, वह जो स्टार्टिंग होती है 130 GSM से होती है, जिसका सबसे मेन यूज़ होता है मेडिकल के अंदर और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर आता है 150 GSM, फिर आता है 180 GSM और उसके बाद आता है 210 GSM। 150 और 180 GSM आपके एल्बम्स में पासपोर्ट साइज़ के लिए यूज़ होती हैं, और जो 210 GSM है उसका सबसे ज़्यादा यूसेज आपको जो इंस्टेंट फोटो निकलती है 4x6 की छोटी सी, उसका मेन यूसेज है। अच्छा सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी रिसेंटली मुझे अपना कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनवाना था, तो मुझे पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ की वहाँ पर ज़रूरत पड़ी, मैंने फ़ोटो खिंचवाई और प्रिंट करवाने के बाद जब मैंने कट करके वो पेपर दिया
तो वो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन जब आज आपकी इंडस्ट्री के अंदर में आया तो मैंने ये समझा कि देश का करीबन 60-70% मार्केट आपने कवर किया हुआ है, तो कहीं ये वही पेपर तो नहीं जिसपे हमारी फोटो छपी है? हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं 70% जो मार्केट बायोपैक ने कवर किया है, हो सकता है कि आप जो फोटो प्रिंट करवा रहे हैं, हो सकता है वो इन्हीं की पेपर पे प्रिंट हुआ हो। सर, अब आगे बढ़ाते हैं सेशन को, और मैं जानना चाहूँगा कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ को, नई नई मशीनों को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस के अंदर, जिससे हमारी क्वालिटी भी बढ़े, बिज़नेस भी ग्रो करे। सर, ऐसा तो ज़रूर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि मशीनें कुछ आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी कुछ, क्योंकि जो मशीन से इस क्वालिटी को बनाती हैं वो सब चीज़ें हमने अपने इनहाउस लगाई रखी हैं, और जितना भी सेटअप ज़रूरी था वो हमने पूरा कर रखा है, तभी हम क्वालिटी बना पा रहे हैं। और ओरिजिन बायोपैक इसी चीज़ के नाम से जानी जाती है कि वो क्वालिटी कंसिस्टेंसी देती है, टाइमली डिलीवरी देती है, इसलिए आज इतनी बड़ी मार्केट हमने कैप्चर कर रखी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री और नई इंडस्ट्रियल जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और देखते रहिए एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी। बाकी किसी भी इंडस्ट्रियल जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आईडी से संपर्क कर सकते हैं। मैं राहुल झा, साइन यू फॉर द डे, थैंक यू सो मच।